गेमर्स, तो कैसे हैं आप लोग? सो गाइस आई होप आप सब मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग BGMI में कैसे यूनिक नेम रख सकते हैं, कुछ स्टाइलिश सिंबल्स कैसे ऐड कर सकते हैं, स्पेस कैसे लगा सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना एंड अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पबजी में क्या होता था, वहाँ पर आप लोग कहीं अदर वेबसाइट से वहाँ से कोई ना कोई सिंबल उठा लेते थे और यहाँ पर आके पेस्ट करके रीनेम कर लेते थे। बट ऐसा अब नहीं होगा। BGMI में क्या है, BGMI में जितने नेम पहले से पड़े हुए थे, यहाँ पे जितने भी नेम आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा अभी यहाँ पे, जितने लोगों ने सिंबल ऐड कर रखा था वो सिंबल आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट कहीं और से कोई सिंबल ऐड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास एक रीनेम कार्ड होना चाहिए जो कि BGMI में डेटा ट्रांसफर करते ही आपको मिल गया होगा, तभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। एंड उसके बाद आपके पास एक नोट पैड होना चाहिए, ठीक है, जो कि हर फोन में होता है। अगर आपके फ़ोन में नहीं है, चेक करना पहले, तो अगर नहीं है तो कोई भी प्ले स्टोर से कहीं से भी छोटा सा एक 2 MB का आता है वो इंस्टॉल कर लेना। तो आपके पास सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास एक रीनेम कार्ड होना चाहिए जो कि मेरे पास है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है रैंक पे, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेटिंग में, उसके बाद यहाँ पे जाना है रैंक में। रैंक में जब आप यहाँ पे जाते हो तो आपको नेम मिल जाते हैं, ठीक है, नेम के स्टाइलिश फाउंड मिल जाते हैं, यहाँ पे सिंबल्स मिल जाते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें से चेक करना है जो भी आपको बेस्ट लगे, ठीक है, जैसा भी आपका नाम हो, किलर या फिर डॉन या फिर जो भी आप रखते हो। बहुत सारे लोग कुछ अजीब तरह से नाम रखते हैं, अगर आपको अजीब नाम रखना है तो वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो आपको सारे नेम मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ अलग तरह के सिंबल्स मिल जाएंगे यहीं पे, और आप लोगों को डुओ सोलो सब में चेक करना, बहुत सारे नेम मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं मैं सोलो में चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यूनिक नेम रखने के लिए आपको किसी की प्रोफाइल खोलनी जिसमें अभी आपको सिंबल अच्छे लग रहे हो। एंड इनकी प्रोफाइल खोलने के बाद आपको इनके प्रोफाइल पर लेफ्ट पर क्लिक करना है एंड इनका नेम कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब इनका नेम मैंने कॉपी कर लिया, उसके बाद आपको कट करके सिंपली आपको यहाँ पर खोल देना है समथिंग नोट्स, ठीक है। आप लोग के पास जो भी नोट्स पैड हो वो ओपन करना एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। जैसे कि मैं नेम पेस्ट कर रहा हूँ, अब देखिए मैंने यहाँ पे नेम पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं और थोड़े से स्टाइलिश फाउंड चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा नीचे चेक करूँगा कि मुझे जो भी थोड़ा सा अच्छा लग जाए। तो यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, अब इनके नेम में ए बहुत अच्छा लग रहा है तो ए का कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब आप लोग ए देख सकते हो, बीच में जो पड़ा हुआ है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं नेम का चेंज करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सेकेंड वाली लाइन में यहाँ पे एम ये वाला कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा नाम क्या है, एम एक्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको हटाऊँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, इसमें से ये हटा दूँगा, ठीक है, ये हटा दिए, ये दो मिल गए। अब क्या करना है, एम उसके बाद एक्स कॉपी करना है ये वाला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कट करके यहाँ पे कॉपी कर देना है, ठीक है। इसको पहले हटा देते हैं आगे से, अब ये हो गया, ये पेस्ट हो गया, ठीक है, एम एक्स हो गया, ठीक है। इसको हटा देते हैं पूरा एंड अब आप नेम देख सकते हो कितना ही कूल लग रहा है, ठीक है। तो एम एक्स हो गया, उसके बाद आप लोग YT या जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लाइव या फिर जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, बट मैं कुछ नहीं लिखने वाला हूँ। तो इसी को सिंपली हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको मैंने कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको चलना है उसी में पबजी में। आपको भी ऐसे ही जो आप यूनिक नेम रखना चाहें, जो सिंबल ऐड करना चाहें, वो आपको रैंक में मिल जाएंगे सभी के नाम। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है एंड इन्वेंटरी में जाके आपको रीनेम कार्ड पे क्लिक करना है एंड रीनेम कर देना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ विद प्रूफ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। ओके दबाते हैं, देन यहाँ पे रीनेम हो गया, ठीक है, नेम चेंज। अब लेफ्ट में आप लोग देखिए एम एक्स लिखा हुआ है, कितना गजब का लग रहा है, मतलब बिल्कुल ही अलग यूनिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यूनिक नेम कैसे रखना है, आपको स्टाइलिश सिंबल्स कैसे ऐड करने हैं। आपको स्टाइलिश सिंबल्स सारे रैंक में मिल जाएंगे जो भी आप रखना चाहो। डुओ सोलो स्क्वाड सब में चेक करना, आपको बहुत सारे सिंबल्स बहुत सारे यूनिक नेम्स मिल जाएंगे और वहीं से कॉपी पेस्ट करके अपना उसमें नेम ऐड कर लेना। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो आगे की अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।